किचन गार्डनिंग के हवाले से एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। इस वक्त हम लाहौर DHA में मौजूद हैं। ये मोहम्मद हुसैन माली साहब हैं। ये किचन गार्डनिंग का बहुत वसी तजर्बा रखते हैं और विंटर सीजन के हवाले से इन्होंने सब्जियां काश्त की हुई हैं। हम इन सब्जियों की डिटेल लेते हैं क्योंकि अगर आप घर में इस तरह की छोटी छोटी क्यारियाँ बना देते हैं तो आपका जो किचन का खर्चा है वो बच जाता है और डेली आप जो फ्रेश सब्जियाँ ऑर्गेनिक सब्जियां वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अपनी जो सेहत को बढ़ा सकते हैं और अपनी बचत भी कर सकते हैं। डेफिनेटली जब आपकी बचत होगी तो आपकी जो सेहत है वो भी बनेगी। तो बिला तखीर हम मोहम्मद हुसैन साहब के पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी सर, कितना तजर्बा रखते हैं आप किचन गार्डनिंग का? अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 12 साल का ये काम कर रहे हैं। 10 से 12 साल हो गए हैं। तो सर्दियों की आपने सब्जियां लगाई हुई हैं? जी सर्दियों की सब्जियां लगी हैं। इस वक्त तकरीबन आपने कितनी किस्म की जो सब्जियां वो काश्त की हुई? तकरीबन 15 से 20 किस्म की सब्जियां लगी हुई हैं। 15 से 20 किस्म की? जी। तो एक एक करके आप हमें डिटेल दें। जी बिल्कुल। ताकि हम अपने जो व्यूवर्स हैं उनको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। ये जो सामने सब्जी लगी हुई है ये कौन सी है? ये चाइना कैबज है। चाइना कैबज, इसका क्या फ़ायदा है? सर ये सैलड में इस्तेमाल होती है, बर्गर में इस्तेमाल होती है, सब्जी आप बना सकते हैं, इंग्लिश जितने भी है चाइनीज खाने सब में यूज होती है। अच्छा, ये किस मौसम में काश्त की जाती है? ये अगस्त में। अगस्त में काश्त की जाती है और किस मौसम तक यानी कि किस महीने तक ये चलती है? ये 3-4 माह चलती है। 3 से 4 माह चलती है जी। अब इसकी कितनी उम्र होगी? अब ये इस्तेमाल करने काबिल होगी? ये 1 माह हो गया इसको लगी हुई। अब ये इस्तेमाल करने के काबिल है? जी बिल्कुल। अच्छा, और इसके अंदर आपने ऑटोमेटिक जो पानी का सिस्टम है वो लगाया हुआ है? जी, स्प्रिंकलर लगे हुए हैं सर। ठीक है। और इसको कोई गोडी वगैरह करने की जरूरत तो नहीं पड़ती? जरूरत पड़ती है लेकिन मेंटेन किया हुआ है। आपके सामने सारा पौधे बड़े हो गए हैं, छोटे थे तो गोडी करते रहे। ठीक है, अगर हम इस क्यारी की बात करें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी? जी होगी तकरीबन 15 फुट लंबाई है और 5 फुट चढ़ाई है। ठीक है। और इधर आपने क्या काश किया होगा? अभी लगाना, सैलड लगाना। सैलड लगाना जी, अभी लगाना। और इसी तरह ही हम आगे चलते हैं। और ये क्या काश किया? ये कसूरी मेथी का। कसूरी मेथी, हाँ जी। ये किस मौसम में काश की जाती है? ये भी अगस्त में हुई है। अगस्त सारी स्टार्ट हुई है सब्जियाँ। और ये कितने माह तक चलेगी? ये तकरीबन 3 माह। 3 माह तक ये चलेगी। यूज़ करते रहते हैं दोबारा फिर। अच्छा, और साथ ये क्या लगाया हुआ? ये ब्रोकली है, इंग्लिश ब्रोकली। ये भी सैलड में इस्तेमाल होती है? हाँ, खा रहा हूँ। या सब्जी के तौर पर? सब्जी के तौर पर कर सकते हैं, सैलड में ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। वैसे इंग्लिश है ना, इंग्लिश है, इंग्लिश ब्रोकली। और ये 200 धनिया काश किया हुआ है। आप सब दोस्त इस चीज़ से अवेयर हैं कि धनिया हर मौसम में ही तकरीबन हो जाता है, हर सब्जी में इस्तेमाल। और ये सर क्या लगाया हुआ है आपने? कौन सा सर? ये सामने से ये तुलसी है। तुलसी, इसका क्या फ़ायदा है और ये कहाँ इस्तेमाल होती है? ये खुशबूदार है और ये धनिया की जगह भी इस्तेमाल भी होती है, तो वैसे भी आप यूज़ करते सर, पुदीने की जगह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किस मौसम में काश्त की जाती है? ये सारी अगस्त में स्टार्ट होंगे। अच्छा, सारी सब्जियां अगस्त में स्टार्ट हुई हैं? एक हफ्ता पहले कोई लगी है, कोई एक हफ्ता बाद में लगी है, यानी कि अगस्त सितंबर में आप इनको काश्त कर सकते हैं। और ये सारी आपने घरेलू इस्तेमाल के लिए रखी हुई है? ये बेजल लगी हुई है। क्या चीज़? बेजल। बेजल, ये इंग्लिश बेजल है। अच्छा, ये भी सैलड में इस्तेमाल? सैलड में ज़्यादा इस्तेमाल, इंग्लिश बेजल। ठीक हो गया। और ये भी ब्रोकली है? ये सलाद पत्ता। सलाद पत्ता, ये रेड है, वो सब्ज़ है आगे। हाँ।